समय असली परीक्षा का, परीक्षा ज्ञान की, सनातन धर्म की, पूजा पाठ की और शास्त्रों की। संघ के प्रचारक हैं, विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि। ये 21 युवक उन 300 में से छांटे गए हैं जिनकी ट्रेनिंग चल रही है अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी की नौकरी के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ ही को ये नौकरी मिलेगी और बचे हुए दूसरे मंदिरों में भेजे जाएंगे। राम मंदिर कमेटी ने वाराणसी के दो पुजारियों के नाम की घोषणा भी कर दी है जो जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या के ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण भी लक्ष्मीकांत दीक्षित और गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ का नाम सुनकर कहेंगे वो हमारे भी गुरु हैं। काशी सदा सर्वदा से विद्वानों की नगरी है। अयोध्या लंबे समय से उपेक्षित है। काशी के विद्वानों के समान हो सकता है कोई एकाध हो, लेकिन अभी जो विचार हुआ है काशी, गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, लक्ष्मीकांत दीक्षित। इधर अयोध्या के कुछ वरिष्ठ पुजारियों ने पुजारियों की ट्रेनिंग पर हैरानी जताई है। हैरानी इस बात पर भी है कि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रमुख पुजारी हजारों मंदिरों वाले शहर अयोध्या से क्यों नहीं चुना गया। महंत धर्मदास के गुरु बाबा अभिराम दास ने 1949 में रामलला की मूर्ति विवादित ढांचे में रखी थी। कोई पुजारी कोई पूजा कराने आ रहा है तो कैसे कराएगा, तो हम लोग देखवे करेंगे। अब यहाँ के लोग को भी शामिल करना चाहिए भाई, प्रतिष्ठा तो सबको देना है आपको। अब नहीं कर रहे, वहीं के लोग आकर कर रहे, कोई उतना तो बड़ा काम रहता नहीं। एक अब पहले से वो प्रतिष्ठित मूर्ति है जिस मूर्ति के नाम से ऑर्डर भया है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हमारा ये अच्छा है कि चलो हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 2020 में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। 67 एकड़ वाले विशाल परिसर को साफ करने के बाद उसमें से 2 एकड़ जमीन को मंदिर के लिए चुना गया था। 1.5 साल पहले हम यही मौजूद थे। अगर आप मेरे पीछे देखिए, वो एक सैफरन फ्लैग जो दिखाई दे रहा है वो गर्भगृह है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर जो डिस्प्यूटेड बाबरी मॉस्क का स्ट्रक्चर था जो डिमोलिश किया गया था वो था। अब यहीं पर राम मंदिर का निर्माण होगा। अब यहां का मंजर एकदम अलग है। हजारों करोड़ की लागत से बनने वाले इस नए राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। मेरे ठीक पीछे यहां पर लॉकर सेवाएं चालू हो चुकी हैं। लाखों श्रद्धालु यहां पर पिछले कई महीनों से आ रहे हैं और न सिर्फ रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं बल्कि सोने और चांदी भी चढ़ाते हैं, जिसके लिए अंदर बैंक कर्मियों की तैनाती भी हो चुकी है। 22 तारीख को इस गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन अयोध्या में और भी बहुत कुछ है जिसको लेकर यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है और थोड़ी सी मायूसी भी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या का और पहले फैजाबाद के नाम से जाने जाने वाले जिले में बदलाव की आंधी सी आ गई है। सरयू नदी के घाटों को दोबारा बनाया गया, नई सड़कें और नई जल निकासी व्यवस्था बिछाई गई। अब नए एयरपोर्ट पर भी काम जारी है। इस मुहिम में मुआवजा देने के बाद करीब 2,500 घरों को भी तोड़ा गया। जो नया राम मंदिर बनने वाला है और उसका जो मुख्य द्वार होगा वो मेरे ठीक बगल में है और बीच में सिर्फ एक सड़क है। अब उस सड़क और मेरे बीच में ये यहाँ पर हिस्सा है जहाँ पर कुछ दुकानें थीं जो आज की तारीख में नहीं है। विकास हो रहा है, लंबा चौड़ा हो रहा है, सड़क चौड़ी हो रही है, पटरियाँ बन रही साहब। अब यहाँ आने वाले समय में बहुत भीड़ भाड़ होगा, बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए सब चौड़ीकरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है साहब, तो इसीलिए दुकान हमारी इसमें चौड़ीकरण में चली गई साहब। अब यहाँ ठेला लगा के अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं साहब, किसी तरीके परिवार है उसको पालना पोसा करना पड़ता है, अब क्या करें, ठेला ही लगा रहे हैं अपना, किसी तरीके काम कर रहे हैं साहब।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। अब शहर में चमचमाते होटल और हाईवे भी दिखते हैं, लेकिन प्राचीन अयोध्या में सालों से रहने वालों की उम्मीद कुछ और भी है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये जो जगह जगह होटल बनवा रहे हैं, जो इमारतें बनवा रहे हैं, जो सड़क इधर उधर तुड़ाई करके जो मेन रोड को कर रहे हैं, वो यदि अयोध्या की जो पुरानी मंदिर है, जो हमारा इतिहास है, यदि उसको सुदृढ़ कर दिया जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सरकार को हमारी तरफ से। अयोध्या जितनी बाहर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी भीतर से है। प्राचीन मंदिर और धर्मशालाएं आज भी दीन दुनिया से परे राम नाम में लीन है। हम कहे जो पहले तो कुछ साधुओं को पेंशन मिलता था, इधर आकर के सब साधु का पेंशन बंद हो गया। साधुओं की पेंशन बंद हो गई है? हाँ, पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो साधु को पेंशन नहीं। बुढ़ापा का क्या सहारा है कि नहीं? ज्यादा समय नहीं बचा है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन जो सिलसिला शुरू हुआ था अयोध्या को बदलने का काम करने का, वो इस आयोजन के बाद भी एक लंबे समय तक चलेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर से करीब 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस मस्जिद का निर्माण होना है, अभी उसके लिए फंड जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इधर अयोध्या में हकीकत यह भी है कि जब से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और एक अस्थायी स्थान पर रामलला की मूर्ति रखी गई है, तब से दर्शन करने वालों का तांता लगा हुआ है। एक अच्छी सी फीलिंग हो रही है, बच्चे साथ नहीं आ पाए अभी तो बड़ा दुख है इस चीज़ का भी। हमने यहाँ की मिट्टी ली है, बल्कि उसका टीका भी लगाया है, तो थोड़ा सा हम वहाँ दिल्ली भी लेके जाएंगे। आपके सामने येरी मिट्टी। डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हम जन्मभूमि में देख के आ रहे हैं डेवलपमेंट। श्री राम मंदिर की जो हो रही है, जो पिलर वगैरह हैं मंदिर की जो बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है। उसकी मैंने वीडियो वगैरह भी बना रखी है। बहस इस बात पर भी जारी है कि जनवरी 2024 में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत जैसे एक धर्म निरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री को ही न्योता क्यों मिला। कई राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों ने इसे आम चुनाव के साल से जोड़कर भी देखा है। ये कुछ लोगों का मत नहीं है, बहुमत का है विचार है कि ये राम के नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। आवाज नहीं तो कल जनता समझेगी और जनता समझ रही है। सनातन धर्म सबका है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके हैं। महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना ही की थी और समाज में भाजपा ये प्रदर्शित करने का काम कर रही है कि राम मंदिर का निर्माण मैं करवा रहा हूँ, भाजपा करवा रही है। Long years ago, we made a tryst with destiny. वैसे भारतीय राजनीति के इतिहास पर गौर करने से पता चलता है कि 1947 में ब्रितानी हुकूमत से आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच एक ऐसे ही मामले पर अलग अलग राय थी। सरदार पटेल की अगुवाई में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जब पूरा हुआ तो पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पंडित नेहरू की राय न मानते हुए उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि अयोध्या को जब विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम चल रहा है और उसके साथ साथ इस पूरे पूर्वांचल का भी विकास हो रहा है। इसका उदाहरण काशी भी देखा, आज वहाँ का व्यापारी भी प्रसन्नता महसूस कर रहा है, स्वच्छता भी है। तो यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उस क्षेत्र के विकास करने में उसका बहुत उनका बड़ा योगदान है
और विरोध की जो राजनीति है वो तो ऐसी है कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव बात को भी नेगेटिविटी में बदलने का काम करते हैं। अयोध्या बदलती जा रही है तेजी से, निवेश आ रहा है, भक्त आ रहे हैं, नया राम मंदिर बनने में कुछ समय बचा है। समय इतिहास को दर्ज करने में भी है कि इस कदम ने यहाँ के लोगों के लिए क्या बदला। देवलीन रॉय के साथ नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी अयोध्या।